जय हिंद, आप सभी को प्रणाम। टुडे इज 7th इंटरनेशनल योगा डे। योगा डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं आप सभी लोग जानते हैं। 21 जून को हम लोग योगा डे इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। लेकिन आजकल काम के तोड़फोड़ में लोग अपना स्वास्थ्य को भूल जाते हैं और धीरे धीरे वह तनाव में जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें तरह तरह की दिक्कतें आती है। जैसे उन्हें शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का घुटना का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का हाई बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को माइग्रेन हो जाता है, तरह तरह की दिक्कतें, तरह तरह की बीमारियां उनके अंदर इंटर कर जाती है। तो इसीलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज, कुछ ऐसे व्यायाम, कुछ ऐसे योगासन बताऊंगा जिससे आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं, शरीर को फिट रख सकते हैं और एक लंबा जीवन पा सकते हैं, स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन से योगासन है, कौन कौन से व्यायाम है, कौन कौन से एक्सरसाइज है, इसी वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम अपने कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएंगे। अगर आप पद्मासन में इस तरीके से कंफर्टेबल हैं, इस तरीके से लगा लीजिए। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हैं, इस तरीके से ऐसे बैठ जाइए। दोनों हाथ को घुटना के ऊपर टेक चिन मुद्रा, इसको चिन मुद्रा बोलते हैं। आंख बंद, स्पाइन स्ट्रेट। अब आप 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए मेरे साथ। चलिए हम लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को ज्वाइन करेंगे और आपस में इसको रगड़ेंगे। धीरे से अपने हथेलियों को आंखों के ऊपर ले जाएंगे। पूरे फेस को, अपने फेस को मसाज करेंगे। अपने हाथ को कान के ऊपर रखेंगे, गले के ऊपर। अपने हाथ को अगेन, दोनों हाथ को ज्वाइन करेंगे। धीरे धीरे अपने पाम को खोलते हुए, अपने आँखों को खोलते हुए अपने पाम को, हथेली को देखेंगे। अगर आप ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो आपका मन शांत होता है, मन रिलैक्स होता है। ओम का महत्व, ओम मंत्रा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है इस विश्व में। और ओम के बिना कोई भी मंत्र शुरू नहीं होता है, ओम के बिना कुछ भी चीज़ ख़त्म नहीं होता है। ओम से शुरुआत ही होता है और ओम पे ख़त्म ही होता है, इसलिए ओम सर्वश्रेष्ठ है। दोनों पैर को इस तरीके से सामने कर लीजिए। हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आप लोग भी इसे मेरे साथ देखकर कीजिए। इस तरीके से बैठ गए, अपने एंकल को आगे पीछे करेंगे इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको करने से जिसका पैर स्टीफ है, जिसका काफ मसल्स स्टीफ है, थाई मसल्स स्टीफ है, घुटना में प्रॉब्लम है, उसके लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब क्या करना है, दोनों अपने एंकल को घुमाना है इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। अब क्या करना है, अपने घुटना से अपने पैर को मोड़ेंगे। दोनों हाथ को इस तरीके से लगाएंगे घुटना के नीचे, इस तरीके से उठाते हुए अपने घुटना को चेस्ट से टच करेंगे, फिर सामने की तरफ एयर में रखेंगे, हवा में रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। अब सेम दूसरा पैर को इसी तरीके से पकड़ेंगे। 1, 2,
3, 4, 5, 6 रिलैक्स। जिन लोगों को कमर में प्रॉब्लम है, हिप में प्रॉब्लम है, उनके लिए काफी अच्छा एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है आपका, अपने पैर को मोड़िए, थाई के ऊपर रखिए और अपने एंकल को इस तरीके से, अपने टो को इस तरीके से पकड़िए और दूसरा हाथ से अपने नी को पकड़िए। इसको उठाकर चेस्ट में लगाना है, फिर इसको दबाते हुए अपने जमीन में टच करना है, अपने मैट में टच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब अपने दूसरे पैर से करना है। इस तरीके से बैठ, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिलैक्स। अब क्या करना है, दोनों हाथ को इस तरीके से उठाइए, लॉक कीजिए और अब चक्की चलासन करना है। इस तरीके से क्या करना है, अपने बॉडी को आगे ले गए, टो को टच किए, फिर ऐसे आए, फिर इस तरीके से ऐसे आते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों हाथ को इस तरीके से उठाइए, अपने रिस्ट को अप एंड डाउन करना है। इस तरीके से अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब क्या करना है, फिंगर्स क्लोज ओपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब यहीं से फिंगर्स को क्लोज कर लेंगे और अपने रिस्ट को घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिलैक्स। अब क्या करना है, इसी तरीके से हाथ को अप करना है, इस तरीके से हथेली छत की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे आपका कंधा मजबूत होगा, इससे आपका रिस्ट मजबूत होगा, हाथ मजबूत होगा। अब आप इस तरीके से सीधा बैठ जाइए और दोनों हाथ को साइड में रखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब अपनी गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे, सांस लेंगे, 1, down, 2, down, 3, down, 4, down, 5, down, 6, down रिलैक्स। अब साइड टू साइड करेंगे इस तरीके से, 1, 2
पीछे करेंगे, राइट पैर को आगे, देन अगेन पैर को 90 डिग्री, दोनों हाथ को ज्वाइन करना है, सांस लेना है, फिर मेक आर्च, होल्ड 1 2 3 4 5 6, उसके बाद रिलैक्स करना है। नेक्स्ट करेंगे वीरभद्रासन 2, दोनों पैर को इस तरीके से फैला लीजिए अपने बॉडी के अनुसार, अपने राइट लेग को इस तरीके से फोल्ड करना है और अपने हाथ, दोनों हाथ को उठाना है, अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर्स को देखना है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6। अब यहीं से पैर को सीधा कर लेंगे और अपने लेफ्ट पैर को इस तरीके से, देन अब लेफ्ट साइड देखना है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नटराज आसन, जो योगा के जनक हैं हमारे शिव, वो नटराज, उन्हीं का आसन हम लोग करेंगे। इस तरीके से खड़ा हो जाएंगे, अपने राइट पैर को पकड़ेंगे और इस तरीके से सामने की तरफ देखेंगे, पैर को आप जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6, दूसरा पैर से होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6। इससे भी आपका एकाग्र शक्ति बढ़ता है, पैर मजबूत होता है। चलिए अब मैं सूर्य नमस्कार करके दिखाऊंगा और सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे हैं, इससे हमारा फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाता है। चलिए साथ में करते हैं। सबसे पहले अपने मैट पे इस तरीके से खड़े हो जाइए, दोनों हाथ को ज्वाइन कीजिए, सांस लेते हुए अपने बॉडी को पीछे की तरफ मोड़िए इस तरीके से, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए अपने राइट लेग को, दाहिने पैर को पीछे और ऊपर की तरफ देखना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है, दोनों पैर को पीछे, इसमें अपने अब्डोमिन को देखना है। अब दोनों पैर को अपने मैट के ऊपर ड्रॉप करना है, रखना है, अपने चेस्ट को रखना है, चिन को रखना है और हिप को थोड़ा सा अप। सांस लेते हुए आप भुजंग आसन में जाइए, फिर से पर्वत आसन में आ जाइए, अपने लेफ्ट पैर को दोनों हाथ के बीच में लाइए, अब दोनों पैर को ले आइए, फिर से अब पीछे की तरफ झुकना है, कम बैक करना है। ये हम लोग दाहिने पैर से कर लिए, अब बाएं पैर से करते हैं, तभी एक राउंड कंप्लीट होगा और आप लोग भी साथ में कीजिए। पहला है आपका प्रणाम पोज, दूसरा है हस्तो उत्थान आसन, इसमें आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए, तीसरा है आपका पादस्थ आसन, चौथा है आपका अश्व संचालन आसन, पांचवा है आपका पर्वत आसन, छठा है आपका अष्टांग नमस्कार, सातवा है भुजंग आसन, आठवा है आपका पर्वत आसन, नौवा है आपका अश्व संचालन आसन, दसवा है पादस्थ आसन और ग्यारहवा है आपका हस्तो उत्थान आसन और बारहवा है आपका प्रणाम पोज। आप इस सभी योगासनों, सूक्ष्म व्यायामों को, सूर्य नमस्कार को आप अपने रेगुलर लाइफ में अपनाइए और अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए। स्वस्थ शरीर में ही ईश्वर का वास होता है, स्वस्थ शरीर में ही अच्छा विकास होता है। Thank you.
अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि इसी तरीके का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचते रहे, क्योंकि मैं हमेशा डाइट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक कमेंट पे भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर।